हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्सेनल। आज हम देखेंगे रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS जो है, ये जो है अभी फिलहाल न्यूज में है। सो 500 पैसेंजर ट्रेन जो है ये हो जाएगा क्या है ना, इंस्टो एनेबल GPS सिस्टम। ओके, सो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो ये जो है एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें क्या होता है ना, इसमें स्पीड एंड मोमेंट ऑफ द ट्रेन आपको मालूम चल जाएगा। इसका क्या है ना, सेंट्रली कंट्रोल ऑफिस जो है फॉर द इम्प्रूविंग द ट्रेन और कंट्रोल फंक्शंस। ओके, इसको डेवलप कर रहा है कौन ना, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CIRE जो बोलते हैं, किसके साथ ना, विथ द हेल्प ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गगन जो है। गगन क्या है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशंस, इसको बोलते हैं गोगन बोलते हैं। ओके, सो फॉर नाउ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड होगा और इज बीइंग द यूज्ड फॉर द इंटरनल पर्पज के लिए। ओके, सो RTIS जो है ये क्या है, हैज एन आउटडोर यूनिट रहेगा कहाँ पे ना, ये लोकोमोटिव रूफ टॉप में। आपको जो मैंने पहले फोटो दिखाया था, ये ट्रेन के ऊपर ऊपर पार्ट में ये फिटेड रहेगा RTIS जो है। और क्या है ना, रेल MMS टर्मिनल जो है RMT, ओके, कंप्राइजिंग ऑफ द मोबाइल सेटेलाइट सर्विसेस MSS जो है। ओके, एक ट्रांसीवर रहेगा, मॉड्यूल्स रहेगा, और क्या रहेगा ना, GPS रिसीवर रहेगा। मीन्स एक तो ट्रांसफर करेगा और दूसरा एक GPS जो है रिसीव करेगा, एक एंटीना भी रहेगा उसमें। ओके, सो इंडोर जो यूनिट क्या है, ये तो हो गया आउटडोर में। इंडोर में रहेगा इंडियन रेल नेविगेटर्स जो है IRN जो है, इन लोकोमोटिव केबिन में रहेगा। ओके, कंप्राइजिंग है, डिस्प्ले प्रोसेस भी रहेगा इंजिन में, डिस्प्ले भी रहेगा इसमें। सो देखेंगे तो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन जो मॉड्यूल एंड पावर मैनेजमेंट रहेगा। ये जो कम्युनिकेशन है ये डन होगा थ्रू द GPS रिसेप्शंस एंड 4G मॉड्यूल्स के द्वारा। ओके, गगन जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। ये क्या है ना, सेटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है इंडियन एयर स्पेस में। ओके, सो गगन जो है इसको डेवलप्ड किया है कौन ना, इसरो किया है। सो ये जो है ये रिलायज ऑन द इसरो GS-80 जो है सेटेलाइट है फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, सो गगन जो है ए प्राइमरी मीन ऑफ एविएशन के लिए यूज होता था, विल प्रोवाइड द बेनिफिट्स बियॉन्ड द एविएशन टू मेनी अदर यूजर्स ऑल्सो। अभी फिलहाल अभी बहुत जगह पे यूज होता है। एक तो हो गया कहाँ पे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन में होता है, मेरीटाइम में होता है, हाईवेज में होता है, रेल्स में होता है, सर्वे में होता है, तो ओके ये सिक्योरिटी एजेंसी में होता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, बहुत जगह पे अभी गगन यूज हो रहा है। ओके, सो दैट्स